के दोपहर के खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में जारी हुए 12वीं के परिणाम, मुंबई में 90.91% के साथ सबसे पीछे। संजय राउत की मुख्यमंत्री सभा पर प्रतिक्रिया, बैठक में उद्धव ठाकरे शामिल हो रहे हैं, संजय राउत द्वारा जानकारी। और देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकारों का सम्मान, गुलवलकर कॉलेज में हर साल मनाई जाती है नारद जयंती। और अब खबरें विस्तार से। आज पूरे महाराष्ट्र में बोर्ड HSC का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। इस वर्ष के परिणामों में मुंबई सबसे पीछे रहा। मुंबई में 90.91% रिजल्ट लगा है, जबकि 97.21% के साथ कोंकण सबसे आगे है। इसी के साथ पुणे 93.61%, नागपुर में 96.52%, औरंगाबाद में 94.97%, कोल्हापुर में 95.07%, अमरावती में 96.34% और नासिक में 95.03%, जबकि लातूर में 95.25% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। नागपुर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी चिंतामन मंजरी यहाँ पे रिजल्ट के बारे में कह रहा हूँ। कुल नागपुर विभाग में 1,60,000 बच्चे परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे, उनमें से 1,53,584 बच्चे पास हुए। पासिंग परसेंटेज है 96.52%। और नागपुर विभाग में फर्स्ट क्रमांक पे है गोंदिया जिला, उनका पासिंग परसेंटेज है 97.37। और सेकंड पे है भंडारा जिला 97.30। और थर्ड पे है नागपुर जिला 96.65। यानी कि कुल रिजल्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमारे नागपुर विभाग में लगा है। इसमें से लड़कियों का जो पासिंग परसेंटेज है वो बेहतर है, 97.46% है। और बच्चों का यानी लड़कों का 95.62% पासिंग परसेंटेज है। बरसात के मौसम में नगर परिषद द्वारा रविराज नगर में निर्माण अनुमान के अनुसार लगभग 25 लाख रुपए का ठेका स्वीकृत किया गया था। सूत्रों द्वारा दी गई गुप्त जानकारी के अनुसार बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी बिजली चोरी को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी आर्थिक व्यवस्था कर रहे हैं। रविराज नगर में जल निकासी का निर्माण इस नगर परिषद की ओर से रिवर्स फ्लो द्वारा किया जा रहा है। आने वाले मानसून के मौसम में शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के घरों को पूरी तरह से नुकसान और खतरा है। नालों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा राशि खर्च करने पर भी कोई लाभ नहीं। मुख्य धारा को देखते हुए नालों का निर्माण आवश्यक होने के बावजूद भी पानी की निकासी नहीं हो रही है। गुप्त सूत्रों ने बताया कि इस रविराज नगर में बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को आर्थिक मदद देकर बिजली चोरी हो रही है। बिजली वितरण कंपनी सभी सामान्य बिजली ग्राहकों को 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन रीडिंग नहीं होने पर भी बिजली का बिल चौगुना हो जाता है। और चूंकि बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी चोर का समर्थन कर रहे हैं और बिजली चोरी के सबूत होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी चुपचाप चोरी करने वालों के साथ वित्तीय चोरी के मामलों की बौछार कर रहे हैं। इसका बोझ आम आदमी की जेब से लिया जा रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महिंद्रे की रिपोर्ट। धुले शहर के राजेंद्र बम के खिलाफ आजाद नगर थाने में अवैध सावकारी करने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। आज लगातार चौथी बार स्थानीय आर्थिक अपराध शाखा ने फिर पुलिस को करोड़ों रुपए सौंपे है। धुले शहर में विभिन्न पद संस्था में पुलिस ने अवैध सावकारी करने वाले राजेंद्र बम द्वारा अर्जित करोड़ों रुपए की भारी मात्रा में संपत्ति, सोना, लेनदेन रसीदें पुलिस के हाथ लगी है। इसमें 210 लेनदेन रसीदें, 6 विदेशी मुद्रा नोट, 2,47,00,000 रुपए की नगद राशि, 4 ग्राम वजन वाले 34 सोने के सिक्के और लगभग 2,400 सावधि जमा रसीदें शामिल है, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। पुलिस ने करीब 4.5 करोड़ रुपए जब्त की है। राजेंद्र बम्ब के अवैध सावकारी करने के मामले में पुलिस अब तक करीब 20 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी है, जिसकी जांच पुलिस करेगी। यह भी बताया जा रहा है कि विभिन्न जिलों में कुछ अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं और इसकी भी जांच की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार पाटिल ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध सावकारी करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आए। धुळे जिल्ह्यामध्ये राजेंद्र बंब या आरोपीच्या विरुद्ध अवैध सावकारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गेल्या 3-4 दिवसाच्या तपासामध्ये आरोपीच्या घरी तसेच त्याच्या वेगवेगळ्या बँकांमध्ये तपास अधिकाऱ्यांनी झडत्या घेतलेल्या आहेत। काल जी तपास अधिकाऱ्यांनी झडती घेतली त्याच्यामध्ये आरोपीच्या योगेश्वर पतपेढी या पतसंस्थेमध्ये जवळपास 210 सौदा पावत्या आणि खरेदी खत मिळालेले आहेत। 4-5 विदेशी चलनातल्या नोटा मिळालेल्या आहेत। 2,47,00,000 रुपये रोख मिळालेले आहेत। 4 ग्राम वजनाचे प्रत्येकी असे 34 सोन्याचे कॉईन मिळालेले आहेत आणि फिक्स डिपॉझिटच्या पावत्या ह्या मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे 2,400 फिक्स डिपॉझिटच्या पावत्या मिळालेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये गेल्या 4 दिवसाच्या तपासामध्ये वेळोवेळी आपल्याला माहिती दिलेली आहे 9 कोटीपेक्षा जास्त कॅश आणि जवळपास 6 कोटीची ज्वेलरी यापूर्वी हस्तगत करण्यात आलेली होती। आजची ही 2,47,00,000 कॅश आहे आणि 2,400 FD असं लक्षात आलेलं आहे की ह्या FD त्या तयार करताना वेगवेगळ्या पतसंस्थांमध्ये आरोपीने जे पीडितांचे ज्याच्याकडे कागदपत्र उपलब्ध होते त्याचा वापर करून स्वतःच तयार केलेले आहेत। त्याच्यातले अमाऊंट त्याने स्वतःच भरलेली आहे आणि ते सगळे पैशाचे FD तयार करून त्या सगळ्या 2,400 FD स्वतःच्याच कस्टडीमध्ये ठेवलेले आहेत। म्हणजे असा आपण निष्कर्ष काढू शकतो की ह्या FD ज्यांची नावं आहेत त्यांच्या नॉलेजशिवाय किंवा त्यांच्या माहितीशिवाय ह्या FD काढलेल्या आहेत। असे ह्या 2,400 FD जवळपास 2 कोटी रुपयाची ती गुंतवणूक आहे। संजय राऊत ने मुख्यमंत्री सभा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 37 साल पहले मराठवाड़ा में शिवसेना की पहली शाखा स्थापित हुई थी। बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल हो रहे हैं। आज की बैठक में मराठवाड़ा से लाखों शिवसैनिक आएंगे क्योंकि लंबे समय के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मुंबई से बाहर जाकर बैठक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कई राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं और हर कोई मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी प्रमुख की टिप्पणी को लेकर उत्सुक है, ऐसा भी संजय राऊत ने इस वक्त कहा। आज मराठवाड्यामध्ये जी शिवसेनेची पहिली शाखा 37 वर्षापूर्वी स्थापन झाली त्या पहिल्या शाखेचा वर्धापन दिन आहे आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त संभाजीनगरला शिवसेनेची एक भव्य सभा आहे आणि त्या सभेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित राहत आहेत। सभेची तयारी गेल्या काही काळापासून जोरात सुरू आहे आणि संपूर्ण मराठवाड्यातून लाखो शिवसैनिक आजच्या सभेला येतील कारण बऱ्याच काळानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री हे मुंबईच्या बाहेर जाऊन सभा घेत आहेत, त्याचं एक लोकांना आकर्षण आहे। अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत महाराष्ट्रात देशात, त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांचं म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुखांचं त्यावर काय भाष्य असेल याविषयी आपल्या सगळ्यांना उत्सुकता आहे। आज संध्याकाळी राज्याचे मुख्यमंत्री संभाजीनगरला पोहोचते। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो,
बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आपका स्वागत है। नवी मुंबई में चीनी बायकॉट और देसी छाते बाजार में आ चुके हैं, लेकिन पिछले वर्ष से इस वर्ष 30 से 35 रुपए की बढ़त छातों की कीमतों में हुई है। 7 जून को कहा गया था कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, उस समय बाजार में सबसे अधिक मांग वाली चीजें छाते थे। 2 साल के कोरोना काल के बाद महंगाई आसमान छू गई है, नतीजतन बाजार में बिकने वाले छाते और महंगे हो गए हैं और इस साल के छतरियों की कीमत पिछले साल की तुलना में 30 से 35 रुपए बढ़ गई है, यह छाता व्यापारियों का कहना है। इस बीच स्वदेशी छतरियों की मांग है, क्योंकि इस साल चीन के छाते बाजार में नहीं आए हैं। उपभोक्ता इन छतरियों को पसंद करते हैं, क्योंकि बाजार में कई प्रकार के छाते उपलब्ध है। मुंबई से छतरी लाए हैं, मुंबई से छत में अभी पहले से थोड़ा बढ़ के ऐसा बढ़ा ही है ना, लगभग पहले अभी के छतरी 95 में आता था, अभी 120 125 के रेट में आ रहा है। वही सब बेचने का तो वही हमारा रहता है, कितना जो भी है, जैसे 150-200 होलसेलर भी ना बोल रहे हैं ना, होलसेलर के पास में रहता तो वो देता ना, उनको भी ऐसा उनको सेल ही करना है ना, क्या उनको। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज औरंगाबाद के संभाजीनगर में भव्य सभा करेंगे। इससे पहले बीड जिले के शिव सैनिकों ने तैयारी पूरी कर ली है। औरंगाबाद को भगवा बनाने के लिए शिवसेना जिला केंद्रीय कार्यालय में भगवा झंडा तैयार किया गया है। आज की बैठक में बीड जिले के हजारों शिव सैनिक सभा के लिए औरंगाबाद जाएंगे, साथ ही संभाजीनगर जाते समय रास्ते में नाश्ता और खाने की व्यवस्था बीड के जिला प्रमुख अनिल जगताप इनकी ओर से की गई है। संभाजीनगर या ठिकाणी शिवसेना पक्ष प्रमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहेब ठाकरे यांची भव्य सभा या ठिकाणी होत आहे। बीड येथून हजारो शिवसैनिक संभाजीनगर या ठिकाणी जाणार आहेत आणि पूर्ण संभाजीनगर या ठिकाणी भगवमय करायचं काम पूर्ण मराठवाड्यातील शिवसैनिक करणार आहेत। आज या ठिकाणी सर्व शिवसैनिक सकाळपासून झेंडे तयारी करत आहेत, संपूर्ण गाड्या या ठिकाणी येत आहेत, त्याला स्टिकर वगैरे लावण्यात आलेले आहेत आणि जातानी संभाजीनगर या ठिकाणी संभाजीनगरला जातानी सोलापूर, धाराशिव, लातूर आणि बीड ह्या सर्व शिवसैनिकांसाठी आपले बीडचे जिल्हा प्रमुख अनिलदादा जगताप यांनी जातानी नाश्त्याची सोय व येताना जेवणाची सोय या ठिकाणी सर्व शिवसैनिकांसाठी केलेली आहे। विश्व संचार केंद्र रामटेक जिल्हा द्वारा देवर्षी नारायण जयंती के अवसर पर पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस वक्त देवर्षी नारायण जयंती का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। नागपुर जिले के रामटेक में ताई गोलवलकर कॉलेज में हर साल नारद जयंती मनाई जाती है। इस बार भी यहां देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि जगदीश गुजरकर, बी प्रकाश एदलाबादकर ने देवर्षि नारद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और समारोह का उद्घाटन किया। इसी के साथ वीकेबी के नागपुर जिला ग्रामीण समाचार रिपोर्टर नितिन रावेकर और यूसीएन के न्यूज रिपोर्टर नीलेश रावेकर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस काम को बेहतरीन बनाने के लिए विनोद मुदलियार और अभय ठाणेकर ने अथक परिश्रम किया। कल्याण डोंबिवली में रिक्शा चालक मीटर प्रणाली को लगभग भूल चुके हैं और रिक्शा चालकों ने मीटर की तरह रिक्शा चलाने के नियमों से मुंह मोड़ लिया है। मीटर जैसी रिक्शा की सवारी चाहने वाले यात्रियों को व्यापक रूप से खारिज कर दिया जाता है। शेयर के अलावा न्यूनतम किराया दोगुना करना होगा, क्योंकि रिक्शा से सीधा यात्रा के लिए मीटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में आज कल्याण आरटीओ कार्यालय में रिक्शा संघों के पदाधिकारियों एवं आरटीओ पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान यात्रियों को मीटर के हिसाब से किराया देने को कहा गया है। आरटीओ कार्यालय में रिक्शा संघों के पदाधिकारियों एवं आरटीओ पदाधिकारियों की बैठक हुई।
इस बैठक में यात्रियों को मीटर के हिसाब से किराया देने को कहा गया। इस फैसले पर अमल अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा और आरटीओ ने चेतावनी भी दी कि मीटर के हिसाब से किराया नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक साझा रिक्शा प्रणाली है, फिर भी मीटर अनिवार्य है। कल्याण डोंबिवली के दोनों शहरों में अधिकांश रिक्शा स्टैंड साझा रिक्शा है। नियमानुसार रिक्शा मीटर की तरह चलने की उम्मीद है। हालांकि शेयर सिस्टम के चलते रिक्शा में लगे मीटर सिर्फ सजावट के लिए रह गए हैं, लेकिन रिक्शा मीटर की तरह नहीं चलते। रिक्शा चालकों ने रिक्शा को मीटर से चलाने से मना कर दिया। कल्याण आरटीओ को कई शिकायतें थी कि किराया मीटर की तरह नहीं बल्कि सीधे वसूला जा रहा है, इसलिए यात्रियों की जेब में कैंची लग रही है। मांग ये भी है कि रिक्शा से सीधे यात्रा करने वालों के लिए मीटर सिस्टम अपनाया जाए, भले ही रिक्शा शेयरिंग पद्धति से शुरू किए गए हों। इस संबंध में कल्याण आरटीओ अधिकारी विनोद सालवी ने आज रिक्शा एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर मीटर से यात्रा करने वाले यात्रियों से मीटर का किराया वसूलने का निर्देश दिया। मैं आज संघटनेचे सर्व पदाधिकारींची बैठक झाली। ज्या प्रवाशांना रिक्षा म्हणजे शेअर रिक्षा ना जायचं असेल त्यांना त्याची सेवा देण्यात यावी, किंवा ज्या प्रवाशांना मीटर प्रमाणे भाडे देऊन रिक्षात प्रवास करायचा असेल त्यांना त्यांनी त्याची सेवा द्यावी, या संघटनेला आम्ही आवाहन केले आहे। हां, ते आम्ही सर्व अधिकारी आता त्या संदर्भात योजना आखतो आहे। पुढील काही दिवसात आम्ही त्याची अंमलबजावणी करणार आहोत। कसे म्हणजे एखाद्यानी समजा प्रवाशांनी मीटरनी जायचं असेल आणि त्याला नाकारलं, तर आम्ही त्याच्या संदर्भात पण पुढील योजना करून कारवाई करू त्याच्यावर। पुसद शहर के श्रीरामपुर में संजय वानखेड़े नामक व्यक्ति की सीमेंट की दुकान शुभम ट्रेडर्स में कल 7 जून की शाम 7 से 7:30 बजे के बीच आग लग गई। नगर परिषद पुसद को घटना की जानकारी मिलते ही नगर परिषद की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सौभाग्य से आग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन शुभम ट्रेडर्स के मालिक संजय वानखेड़े की दुकान जलकर खाक हो गई और उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। वीकेबी न्यूज़ के लिए यवतमाल से अजित महेंद्र की रिपोर्ट। तो वीकेबी न्यूज़ के दोपहर के खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।